वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड जी. तो आज का हमारा टॉपिक है लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है. ओके, लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द स्मॉल स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथानाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लैंथानाइड्स कॉन्ट्रैक्शन. सो the small and steady decrease in atomic or ionic radii of lanthanides due to because of increase in atomic number as we move from left to right in a period, it is termed as lanthanide contraction. So lanthanide contraction kya hai? Small and steady decrease in atomic or ionic radii, yani ke jab wo atom ki form mein ho tab bhi uska radii jo hai wo small ho aasta aasta when we move from left to right in a period means increase in atomic number. So isko hum kehte hain lanthanide contraction. For example, Ce jo hai 165 picometer iski radii ki size hai. Iske hum agar lutetium tak jate hain to size jo hai steady decrease hoke 156 picometer pe aa jata hai, yani ke difference aa jata hai 9 pm ka. और अगर आयन की फॉर्म में बात करें तो Ce plus 3 जो है उसका 103 pm picometer होता है, और lutetium की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 85 pm, यानी कि डिक्रीज आता है इसमें 18 pm का. ये इसकी एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब हम देखेंगे किस वजह से हो रही है लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन. काजेज ऑफ लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन. सो द कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ द एटम और आयन by pulling the valence electron, pulling the valence electron inward due to high nuclear charge. Yes, electrons हैं जो के minus charge होते हैं, as we already know that high nuclear charge and poor shielding effect of F electrons is the main cause of lanthanide contraction. Means increase in nuclear charge and poor shielding effect when we move from left to right in a period in lanthanides is the main cause of lanthanide contraction. Increase in nuclear charge first of our point hai, and the poor shielding effect is the main cause of lanthanide contraction. So ye jo do causes hain ye hain. Jab bhi hum aage ki is taraf atomic number ko badhate hain to electrons zyada hote hain aur nuclear charge badh jata hai. Nuclear charge jo hai वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ जब ये खींचता है तो साइज जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ. अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन की. सो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? सबसे पहला है कि स्टेडी डिक्रीज इन साइज, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. दूसरी आ जाती है इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, when we move from left to right in a period, या फिर अगर हम ये भी कह सकते हैं कि increase in atomic number, increase in electronegativity. Electronegativity जो है lanthanides में atomic number के साथ साथ increase करती है, और जब इनका size कम होता है तो electronegativity increase करती है. इसके बाद हम बात करते हैं electrode potential की. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है व्हेन द साइज़ डिक्रीज़, साइज़ ऑफ लैंथेनाइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इनकी रिड्यूसिंग नेचर जो है वो भी डिक्रीज़ होती है, यानी कि एल ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू ल्यूटीशियम जो कि वीक है, क्योंकि जब साइज़ में डिक्रीज़ आता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होता है, तो ये डिक्रीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ऐसे करके हम लिख सकते हैं ये जो है ये प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट की एबिलिटी के। इसके बाद हम बात करते हैं रिजेंबलेंस की, रिजेंबलेंस विद सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज बट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक साइज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड द फिफ्थ वन इज डिफरेंस इन बेसिसिटी, डिफरेंस इन बेसिसिटी फेजांस रूल क्या कहता है कि कोवेलेंट करैक्टर जो है वो इसका इंक्रीज करता है साइज के डिक्रीज करने से, कोवेलेंट करैक्टर जो है वो इसका इंक्रीज करता है साइज के डिक्रीज करने से, कोवेलेंट करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है जब इनका साइज डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तब, सो व्हेन द साइज डिक्रीज द कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज सो इट्स कैन अफेक्ट बेसिसिटी, बेसिसिटी पे अब इसका इफेक्ट कैसे आएगा, सीरियम OH 3 जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर इधर कम और ल्यूटीशियम के केस में ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इधर थोड़ा मजबूत होगा, और मजबूत बॉन्ड होगा तो ये OH आयन को रिलीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज मुश्किल से करेगा, तो ये जो है वो बेसिसिटी में रिड्यूस आया, रिड्यूस इन बेसिक करैक्टर ऑफ लैंथेनाइड्स, ये कम बेसिक होगा और ये ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस की, जो कि साइज के साथ एक बार फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एल यू प्लस 3 जो है वो मोर हाइड्रोलाइज होता है एल एन और सी ई से, यानी कि साइज डिक्रीज करने से हाइड्रोलिसिस की डिग्री जो है वो इंक्रीज करती है, ये जैसे कि हमने साइज डिक्रीज किया ल्यूटीशियम पे, सो ल्यूटीशियम का साइज सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज होता है एज कम्पेयर टू सीरियम एंड ल्यूटीशियम जिसका साइज इससे बड़ा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की, थर्मल डीकम्पोजिशन हमारा 7th पॉइंट है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी साल्ट्स यानी कि सी ई एन ओ थ्री यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी साल्ट्स जो हैं वो इंक्रीज करती है व्हेन द साइज डिक्रीजेस सो दैट्स व्हाई व्हेन द साइज डिक्रीजेस ऑक्सी साल्ट की जो थर्मल डीकम्पोजिशन की एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, सो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है, थर्मल डीकम्पोजिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बिकॉज व्हेन द साइज डिक्रीजेस द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ देयर ऑक्सी साल्ट्स इंक्रीजेस। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 8 पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है साइज के डिक्रीज करने से, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के साथ, अगर साइज डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी नंबर 9 पर, तो वो इंक्रीज करती है साइज के डिक्रीज करने से और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से, व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज और साइज डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, सो डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, जब भी साइज जो है वो डिक्रीज करेगा डेंसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन EU और YB की जो डेंसिटीज़ हैं वो लो रहती हैं, ये एक्सेप्शन है डेंसिटी के केस में। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की,
वैल्यूज़ की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वैल्यूज़ की बात करें, ये 1 से 1.5 तक रहती हैं। ये हैं जी क्लोज टू अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। सो जो लैंथेनाइड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिजेंबल करती हैं। इसके बाद नंबर 11 पर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। सो मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। सो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। इसमें एक्सेप्शन है EU एंड PB की, क्योंकि ये क्या करते हैं, शो करते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसके बाद हम 12th पर बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड मींस इंक्रीज करती है व्हेन द साइज डिक्रीज, इंक्रीज करती है व्हेन द साइज डिक्रीज, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। EU जो है वो ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है GD के मुकाबले में। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़रूरी होती है। सो EU की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4F7 एंड 6S2, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू GD 4F7 5D1 एंड 6S2। सो इसमें ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए ये एक्सेप्शन है। वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है पीरियड में, लेकिन EU और GD के केस में एक एक्सेप्शन है। और दूसरी YB और LU के केस में, क्योंकि YB की अगर हम बात करें तो 4F14 6S2 एंड LU की अगर हम बात करते हैं तो 4F14 5D1 एंड 6S2। सो दोनों में कास्ट सेम ही है, इसमें ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से निकालना इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफर है, यानी कि एक्सेप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। सो व्हेन द साइज डिक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, बट EU एंड GD के केस में एक्सेप्शन है एंड YB LU के केस में एक्सेप्शन है। सो गाइज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।